आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ, रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया मैंने। जी तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बेसिक से करेंगे, ठीक है स्टार्ट। वैसे जी तो सर, आपको सारी चीजें पता ही है, लेकिन अब थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएगा, ठीक है। जी सर, देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क कहते किसे हैं, व्हाट इज द नेटवर्क। नेटवर्क होता है कलेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस, मतलब नेटवर्क बनाने के लिए दो या दो से अधिक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जी सर, दैट आर कनेक्टेड ओवर सम ट्रांसमिशन मीडियम and they are able to communicate with each other and also sharing the resources, sharing the resources to each others। देखो, नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो या दो से अधिक डिवाइसेस। जी, अभी कोई भी हो सकती है, जैसे कि आप एक पीसी ले सकते हो, ठीक है जी, दूसरा पीसी ले सकते हो, एक पीसी ले सकते हो, एक लैपटॉप ले सकते हो, ठीक है। जी एक आपने पीसी ले लिया, ठीक है, आपने एक मोबाइल ले लिया, आपने एक पीसी ले लिया, एक आपने पीडीए ले लिया, समझ रहे हो। तो डिवाइसेस कुछ भी हो सकती है, ये पीसी हो गया, ये स्विच हो गया, स्विच से हमने राउटर भी कनेक्ट कर रखा है। तो एक से ज्यादा डिवाइस या कम से कम दो डिवाइस होनी चाहिए, तब तभी आपका नेटवर्क बनेगा, राइट। जी, और वो कैसे कनेक्ट होना चाहिए, दे आर कनेक्टेड ओवर सम ट्रांसमिशन मीडिया, किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो ट्रांसमिशन मीडिया है आपकी, वो दो तरह की होती है, एक होती है गाइडेड मीडिया। सर एक मिनट, एक कॉल आ रहा, ले लो ले लो। हेलो, सर फाइन फाइन, हाउ आर यू? We are now operating two flights. We are after the flight. After 6 o'clock, I think. Yes. Yeah, no problem, no issue. Yeah, we have. No problem. Tell him to call me after 6 o'clock. Yeah, okay. Yeah. Yes, sir. Neera, sir. Okay. तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, जो ट्रांसमिशन मीडिया है जिसके थ्रू हम कनेक्ट होंगे, वो दो तरह की हो सकती है। पहली होती है गाइडेड मीडिया और दूसरी होती है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया यानी कि गाइडेड ट्रांसमिशन। गाइडेड ट्रांसमिशन ऐसा ट्रांसमिशन है जिसे आप देख पाते हो, ठीक है, जैसे कि वायर्स एंड केबल्स। अनगाइडेड मीडिया जो होता है, ये इनविजिबल ट्रांसमिशन होता है, इनविजिबल। जैसे यानी कि कनेक्टेड तो है लेकिन आप देख नहीं पा रहे, जैसे कि वायरलेस ट्रांसमिशन जी, समझ गया, या मोबाइल ट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जिसमें केबल लगी होगी, आपको पता लग जाएगा कि केबल कनेक्टेड है, राइट, और उसी के थ्रू हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है। या जैसे हमने कहा कि टेलीफोन जो है वो लैंडलाइन है, तो लैंडलाइन टेलीफोन में किस तरह का कनेक्शन होगा, गाइडेड, तो गाइडेड ट्रांसमिशन हो गया। लेकिन अगर मोबाइल मोबाइल टावर के थ्रू आप बात कर रहे हो, तो कैसा हो गया, वायरलेस हो गया, राइट। तो उसमें आपको इनविजिबल है, यानी कि दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना सर। माइक्रोवेव भी इसी में आता है ना? हाँ।
तो इनविजिबल है, उसमें कुछ नहीं दिखेगा, ठीक जी है। समझिए अब ये देखो, गाइडेड ट्रांसमिशन अनगाइडेड ट्रांसमिशन जो होता है, इसको हम इसको मिटा दूं, हाँ ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, गाइडेड मीडिया जो होती है चार तरह की होती है, नॉर्मली जनरली कहते हैं, ठीक है। गाइडेड मीडिया में जो हमारे पास केबल यूज हो रही है, वायर्स यूज हो रही है, उनमें सबसे पहले होती है कोएक्सियल केबल, सेकंड होती है यूटीपी, फिर होती है एसटीपी, और फिर होती है ऑप्टिकल फाइबर। आजकल ऑप्टिकल फाइबर का जमाना है, ठीक है ना। अब देखो, कोएक्सियल केबल ये दो तरह की होती है, 10 बेस 2 एंड 10 बेस 5। ये देखो, नाम से पता लग रहा है, नाम से क्या पता लग रहा है, 10 बेस 2। अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना होगा तो देखो, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। 10 का मतलब है स्पीड, 20 का मतलब है बेस बैंड, और 2 का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि इस तरह की जो केबल है हमारी, 10 बेस 2 का मतलब हो गया 10 Mbps, तो स्पीड होगी उसकी, ये मैक्सिमम स्पीड है इसकी, ठीक है। बेस बैंड, बेस का मतलब होता है बेस बैंड केबल, बेस बैंड जो होती है ये लो स्पीड ट्रांसमिशन होता है। जब भी ट्रांसमिशन होता है तो ये तो बेस बैंड होगा या ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन होगा, तो बेस बैंड में आती है लो स्पीड जो 10 Mbps या उससे कम होती है, वो सब बेस बैंड में आएगी, राइट। और 2 का मतलब है डिस्टेंस, तो ये क्या होता है, 2 को हम 100 मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 200 मीटर की केबल। दिस इज द सेगमेंट लेंथ। अच्छा किसी भी केबल की, अगर कोई कोएक्सियल केबल है जिसकी 200 मीटर सेगमेंट लेंथ है, यानी कि जो सिग्नल कैरी करेगा वो अप टू 200 मीटर करेगा, अच्छा मतलब सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो 200 मीटर बाद सिग्नल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा या लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अगर 200 मीटर की केबल होती है तो इसमें सिग्नल जो होता है वो 185 मीटर तक ही कैरी कर सकता है, उसके बाद ड्रॉप होता चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो आपको अगर अच्छा सिग्नल चाहिए तो 200 मीटर की केबल है आपकी कोएक्सियल की, तो आपको 185 मीटर तक ही कनेक्शन बना लेना है, उसके बाद आप क्या करोगे, रिपीटर लगाओगे जिससे कि आगे सिग्नल फिर ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। 10 बेस 5 जो है, ये वाली जो है सबसे पहले आई थी, ये मतलब ये सबसे पहले केबल आई थी, बाद में आई थी ये वाली। ये वाली जो केबल है 10 Mbps बेस बैंड ओवर 500 मीटर, ये 500 मीटर वाली केबल है, अच्छा ये ओरिजिनल ईथरनेट केबल कहलाती है। सबसे पहला जो नेटवर्क बना था वो इसी केबल से बना था, तो ये अच्छा इसलिए इसको बोलते हैं ईथरनेट केबल, 10 बेस 5 वाली कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपने देखी होगी, केबल टीवी में भी यूज होती है, हाँ देखें ठीक है। लेकिन जो नेटवर्क में यूज होती है वो ये वाली होती है, ये वाली नेटवर्क में यूज नहीं होती, ये वाली, अच्छा ठीक है। तो अब तो ये भी बंद हो गई है, तो आजकल जो नेटवर्क बनता है उसमें यूटीपी, एसटीपी और ऑप्टिकल फाइबर ही यूज करते हैं, ये पूरी तरह से ऑब्सलीट हो चुका है, ये सिर्फ केबल टीवी वगैरह में यूज होता है, राइट। तो ये समझ में आ गया आपको। हो गया सर अब देखो, इसमें यूटीपी और एसटीपी, अब ये दो जो दोनों तरह की जो केबल है, इन दोनों में क्या फर्क है, देखो ये है अनशील्डेड, अन शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दोनों ट्विस्टेड पेयर है। देखो यूटीपी, टीपी का मतलब होता है ट्विस्टेड पेयर, और ऐसे शील्डेड अनशील्डेड एक शील्डेड एस का मतलब है शील्डेड, शील्डेड तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, इसमें शील्डिंग नहीं है और इसमें शील्डिंग है, शील्डिंग बाकी दोनों जो होती हैं एक जैसी दिखाई है देती हैं, लेकिन अंदर से पता लगता है शील्डिंग है या नहीं, ठीक है। तो एसटीपी केबल और यूटीपी केबल जो है वो शील्डिंग से ही उनको डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। तो
इसको मिटा दो। जी जी मिटा। अब देखो आपके पास जो यूटीपी केबल आ रही है, एक सेकंड, हेलो हेलो, मैं क्लास में हूँ, बोल। लाइट आ गई, लाइट को चला ले, ठीक है चल जाएगा। अगर स्मेल आया तो बंद कर दियो। ठीक है, उस पर लाइट में कोई दिक्कत नहीं, चला ले। चला ले चला ले, फूकेगा फूक जाएगा, कोई बात नहीं। चल ठीक है, मैं क्लास में हूँ, रोटी खा ली बस, है ना। हाँ तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे यूटीपी केबल की, ठीक है। तो यूटीपी केबल जो होती है, ये होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसमें देखो यूटीपी केबल में हमारे पास टोटल जो होती है 8 वायर होती है। ये जो 8 वायर होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से हमारी जो केबल है ये 4 वायर ही काम करती है। 8 केबल में से क्या है, 4 वायर काम करेगी और जो रिमेनिंग 4 वायर है इसमें डमी सिग्नल पास होगा, ठीक है। जो एक्चुअल ट्रांसमिशन होगा वो सिर्फ 4 ही वायर से होगा, ठीक है। ये जो 4 वायर है डमी, अब ये मैं बता देता हूँ कौन सी है। देखो इसमें सबसे पहले आती है ऑरेंज व्हाइट, ऑरेंज व्हाइट, फिर आती है ऑरेंज, फिर आती है ग्रीन व्हाइट, फिर है ब्लू, फिर है ब्लू व्हाइट, फिर है ग्रीन, फिर है ब्राउन व्हाइट और फिर है ब्राउन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, 1 2 3 एंड 6, ये केवल हमारी काम की है। ऑरेंज व्हाइट, अब देखो ऑरेंज और ग्रीन, ग्रीन होती है रिसीविंग के लिए और ऑरेंज होती है सेंडिंग के लिए, ठीक है। तो जो सेंडिंग वाली है वो TX प्लस है, TX माइनस है, रिसीविंग ये होती है RX होती है प्लस में और RX माइनस में, ठीक है। तो आपके पास ये जो दो हैं, ये सेंडिंग के लिए, जब भी डेटा सेंड करोगे तो ये दोनों केबल काम आएंगी, और रिसीविंग के लिए ये दोनों आएंगे, ग्रीन एंड ग्रीन व्हाइट और ब्लू व्हाइट, ये ग्रीन व्हाइट, ग्रीन ब्लू नहीं, ये ग्रीन व्हाइट, सॉरी ग्रीन व्हाइट ग्रीन, अच्छा ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ये ऊपर नीचे हो गया ना थोड़ा सा, ये नीचे चला गया, ठीक है। ये सेंडिंग है और ये है रिसीविंग के लिए, तो हमेशा समझ लेना ग्रीन हमेशा रिसीविंग के लिए होती है, ऑरेंज सेंडिंग के लिए होती है। देखो TX प्लस और TX माइनस, एक बार ये पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। देखो करंट हमेशा क्या होता है, एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसके साइकिल होते हैं, करंट के हमेशा क्या होते हैं साइकिल है। जैसे अब ये है एसी करंट ऐसे दौड़ रहा है जी, तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, माइनस होगा एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तभी ये करंट है, नहीं तो करंट ही नहीं होता। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, तभी करंट फ्लो ऐसे होगा, समझ रहे हो। तो ये अपने पीक पे जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर ये अपने
माइनस पीक पे जाएगा, फिर ये प्लस पीक पे जाएगा, फिर माइनस पे जाएगा, ठीक है। सब तो आपने देखा होगा जब एक बल्ब लेना, बल्ब को आप जब देखोगे उसमें अगर कम वोल्टेज हम डालेंगे ना तो वो ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि इसके साइकिल्स होते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, एनालॉग फॉर्म में होता है सिग्नल, जो होता है करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी एनालॉग फॉर्म में ऐसे चलती है, ठीक है। जो डीसी करंट होता है वो कैसे चलता है, वो डीसी करंट सीधा चलेगा ऐसे, सीधा सीधा चलेगा, ठीक है। या तो ये प्लस में सीधा चलेगा या फिर माइनस में सीधा चलेगा, या माइनस सीधा चलेगा, सीधा चलेगा। तो ये डीसी हो गया और ये एसी हो गया, एसी हो गया, कनेक्ट कर, समझ आया। तो केबल में एक्चुअल में दौड़ तो क्या रहा है, करंट ही दौड़ रहा है ना। तो हमारा जो डेटा होता है किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, वाया करंट, ठीक है ना। अगर हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा डेटा भी क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि डेटा नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि डेटा जो कैसे दौड़ रहा है, वाया द फॉर्म ऑफ करंट। लेकिन वो लो वोल्टेज वाला होता है। लेकिन लो वोल्टेज करंट जो होगा ना आपका, उसमें जो डेटा होगा वो स्लो चलेगा, ठीक है ना। तो उसकी एक स्ट्रेंथ है, अगर उस स्ट्रेंथ तक है हमारे पास सिग्नल तो ठीक चलेगा, नहीं तो सिग्नल जब ड्रॉप हो जाएगा तो डेटा भी ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो ये इसके अंदर चलता है इस तरह से, समझ आए। अब देखो जो यूटीपी केबल है इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, स्ट्रेट केबल और क्रॉस, ये आपको पता होगा। स्ट्रेट केबल में क्या होता है कि जितने भी आप यहाँ से नंबर देख रहे हो 1 2 3 6 इसी ऑर्डर में लगाओगे, हमारे पास जो कनेक्टर होता है उसमें जो पिन नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आपको इसी ऑर्डर में लगाना है। ये देखो ये जो बीच बीच के ना, इनको आप ना भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जो 4 वायर है उनसे डमी सिग्नल जा रहा है। डमी किससे जा रहा है, ब्लू, इसमें कोई सिग्नल नहीं है, ब्लू व्हाइट इसमें कोई सिग्नल नहीं है, ब्राउन में कोई सिग्नल नहीं है, ब्राउन व्हाइट में कोई सिग्नल नहीं है, समझ रहे हो, ऑरेंज और ग्रीन में जा रहा है बस। हाँ सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 4 वायर ही काम कर रही है। ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए 4 ही चीजें है ना, 8 से तो हम भेज ही नहीं सकते, राइट। तो जो लैन कार्ड होता है उसमें भी 4 पिन आपको नजर आती है, जो ऊपर उठी भी होती है, आपने देखा होगा लैन कार्ड जो होता है ना, लैन कार्ड का जो सॉकेट होता है उसमें आपने देखा 4 पिन उठी होती है, उसी में आपका कनेक्टर आके कट से लग जाता है। हाँ हाँ वो जो पीतल की होती है, हाँ कॉपर की आपने देखा होगा, कॉपर की जो होती है बराबर, उसमें आपने देखा 4 पिन ऊपर उठी होगी, बाकी पिन नहीं होती उसमें उठी हुई। तो इसका मतलब कि वो 4 पिन ऐसी जगह पे रहती है, वो ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाए, तभी तो सिग्नल जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। तो इसमें क्या है कि स्ट्रेट केबल में क्या हो रहा है कि एक मतलब ये पैरेलल है, इसको पैरेलल कह रहे हैं, मतलब इस साइड भी वही सिग्नल है और इस साइड भी है, तो ये पैरेलल हो गया, ये स्ट्रेट होता है। क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में यहाँ पे 1 2 3 6 होता है और दूसरी साइड क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, 3 6 1 2 हो जाएगा, 12 36 क्या हो जाएगा, 36 12, समझ रहे हो। अगर हम इस साइड कनेक्ट करें तो मालूम है कौन सी वो लगेगी आपकी, देखो इसमें सबसे पहले जो आएगी ना आपकी, देखो बताना, सबसे पहले आएगी यहाँ पे ग्रीन व्हाइट, फिर आएगी ग्रीन, फिर आएगी ऑरेंज व्हाइट, फिर आएगी ब्लू, ठीक है, फिर आएगी ब्लू व्हाइट, और फिर आएगी कौन सी, ऑरेंज, फिर आएगी ब्राउन व्हाइट, और फिर आएगी ब्राउन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरह से बनेगी। लेकिन इसको देखते हुए देखो ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमने ग्रीन ग्रीन व्हाइट ले ली, ठीक है, और फिर ले लिया ग्रीन ये वाली, तो 36 हो गया ना, देखो यहाँ पे 36 12 हो गया,
समझ आया? तो इस तरह से हो गया आपका। एक बार नोट कर लो, हाँ नोट कर लो। स्ट्रेट केबल का मैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेट केबल कलर कोडिंग, स्ट्रेट केबल जो कलर कोडिंग है, हाँ ये फर्स्ट नंबर पे जो आएगा ऑरेंज वाइट, ऑरेंज वाइट, उसके बाद फिर आएगा ऑरेंज, फिर आएगा ग्रीन वाइट, फिर आएगा ब्लू आएगा, फिर ब्लू वाइट आएगा, क्रॉस केबल में एक साइड तो यही रहेगा और दूसरी साइड ये आ जाएगा। ये पहली साइड हो गई, ये सेकंड साइड हो गई। ग्रीन वाइट पहले आएगा, हाँ इसमें ग्रीन वाइट पहले आएगी, पिन नंबर वन पे, पिन नंबर टू पे आएगा ग्रीन, ठीक है, पिन नंबर थ्री पे आएगा ऑरेंज वाइट, पिन नंबर फोर पे आएगा ब्लू, पिन नंबर फाइव पे आएगा ब्लू वाइट, ब्लू वाइट, फिर आएगा ऑरेंज, हाँ फिर ऑरेंज आएगा, फिर ब्राउन वाइट आएगा, फिर ब्राउन, फिर ठीक है सर, कर लिया नोट, ओके, ठीक है। तो ये यूटीपी की कहानी है, ठीक है। अब यूटीपी में हमारे पास जो ना कैटेगरी होती है, इसे मिटा दो, तो ये मिटा दी, मिटा दी। देखो नॉर्मली जनरली हम क्या करते हैं, देखो यूटीपी कैट फाइव, ये कैटेगरी फाइव है, कैट फाइव ई, कैट सिक्स, कैट सिक्स ए, ठीक है, कैट सेवन, कैट सेवन ए, ये देखो ये आपकी जो जनरली आजकल यूज में आ रही है, लेकिन इससे ज्यादा और भी कैटेगरी है, ठीक है। देखो इनमें जो फर्क है ये किसका है, स्पीड का फर्क, और कुछ नहीं, और कोई फर्क नहीं है। देखो कि मैं टेबल देखो आपको निकाल के दिखा देता हूँ, मिनिमाइज क्यों नहीं हो रहा है, रुको, कहाँ से करते थे इसको यार, अपने मिनिमाइज बता रहा हूँ, आ रहा है ऊपर में, आ रहा है सर, टॉप राइट, टॉप राइट पे मिनिमाइज का ऑप्शन है, कहाँ पे है, हल्का सा ग्रे ग्रे है, नहीं हो रहा, नहीं तो मिनिमाइज नहीं हो रहा, क्रॉस ही करना पड़ेगा, नहीं क्रॉस के बगल में आ रहा है ना, टॉप राइट में मैक्सिमाइज है, क्लोज है और मिनिमाइज। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, ब्लैक नजर आ रहा है पूरा, ब्लैक नजर आ रहा है ना, मिनिमाइज करा, मिनिमाइज नहीं हो रही है मीटिंग, चलो कोई नहीं, आपको चार्ट का बटन खोले, आप चार्ट पर क्लिक करें, मेरा मेरा अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ब्लैक कलर में आ रहा है, आप चार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे ना सर, तो आपको दिखा देगा, कौन सा वाला, चार्ट, चार्ट वाला, चैट वाला, हाँ चैट वाला, तो ये है साइड वाले में, तो इसमें तो मिनिमाइज नहीं हो रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा है मिनिमाइज, व्यू ऊपर एकदम थोड़ा सा विंडो पकड़ के नीचे रखे कीजिए, ताकि वो ऊपर बता रहे, मेरे पास जूम मीटिंग में मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज भी है, तीनों बता रहे, रुको रुको अब आपको दिखाई देगा, अब देखो दिखाई दिया, हाँ हाँ जी जी दिखाई दे, ये देखो ये मैंने चार्ट निकाल लिया, ठीक है, और इसमें अब पेन चल जाएगा, ये चल जाएगा, देखो मैंने आपको देखो बताया कैट फाइव, कैट फाइव ई,
कैट सिक्स, कैट सिक्स ए और सेवन, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो ऊपर वाली केबल जो है, ये वाली, ये अब यूज नहीं होती। कैट वन टू अच्छा थ्री फोर, अब देखो कैट वन जो है 1 Mbps तक की स्पीड देगी, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कहाँ यूज होती है? ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, अच्छा ठीक है ना। जो टेलीफोन सिस्टम पतली पतली केबल आपने देखा होगा टेलीफोन में लगी होती है, हाँ एकदम बहुत पतली होती है जी। वो होती थी टू पेयर वाली, ठीक है ना। टू पेयर का मतलब उसमें फोर केबल ही होंगी, ठीक है ना। उसमें फोर पेयर नहीं होती, यानी कि 8 वायर नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या है, फोर फोर वायर होती है, तो उसे कहते हैं टू पेयर। तो टू पेयर में आता था कैट ये वाला, ये खत्म हो गया, अब चलती नहीं है, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी टू, 4 Mbps की स्पीड है, कहाँ पे काम आती है? टोकन रिंग के नेटवर्क में, ठीक है। ये कहाँ काम आएंगी? टोकन रिंग में, ये भी ऑब्सलेट हो गई, ठीक है। इसके बाद आएगी कैट थ्री, 10 Mbps तक की स्पीड है, ट्विस्टेड पेयर है, और कहाँ काम आएंगे? टोकन रिंग में, और इनका जो नेटवर्क होगा होगा 10BASE-T। 10BASE-T का मतलब समझे आप? बोल 10 Mbps दो बेस बैंड ओवर ट्विस्टेड पेयर, टी का मतलब है ट्विस्टेड पेयर। जी देखो मैंने कोएक्सियल में आपको बताया था, जी 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 कोएक्सियल में आपको मैंने क्या बताया था, 10BASE-2, बेस टू तो ये जी कोएक्सियल में था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कह दिया 10BASE-T, बेस तो फाइव इसका मतलब क्या हो गया? ये बेस बन गई फाइव यूटीपी। यूटीपी ओके यूटीपी में क्या हो गया? देखो 10 स्पीड है, बेस बैंड ओवर ट्विस्टेड पेयर। समझिए यहाँ पे देखो अगर 2 आ गया तो इसका मतलब कोएक्सियल में 200 मीटर वाली है, लेकिन यहाँ ट्विस्टेड पेयर है। ट्विस्टेड पेयर में जो स्पीड आ रही है वो 10 आ रही है। ओके ये देखो लिखा आ गया ना 10 Mbps, तो 10BASE-2 का मतलब 10 Mbps वाली है। जी समझ इसमें दूसरी आती है टोकन रिंग के लिए 16 Mbps तक की, वो होती है कैट फोर। 16 Mbps तक की स्पीड है, ठीक है, और ये आपकी टोकन रिंग नेटवर्क में काम आएगी, राइट। इसमें देखो यहां से लेके यहां तक सेगमेंट लेंथ जो दी है 100 मीटर की केबल है। देखो यूटीपी हमेशा 100 मीटर की केबल मिलेगी आपको, जबकि कोएक्सियल में 200-500 मीटर मिलेगी, लेकिन ये हमेशा कितने मिलेगी आपको? 100 मीटर की ही केबल मिलेगी। तो ये 100 मीटर की केबल में से जो सिग्नल जाएगा वो सिर्फ 85 मीटर ही जाएगा, अच्छा उसके बाद सिग्नल क्या हो जाएगा? ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा समझ गया समझ आया? समझ गया तो ये इसकी क्या हुई? सेगमेंट लेंथ, ठीक है। अब देखो अब जो चल रही है वो कैट फाइव से लेकर मैंने बताया था कैट सेवन तक की। तो इसमें देखो कैट फाइव 100 Mbps स्पीड है, 100 मीटर सेगमेंट लेंथ हो गई, ईथरनेट में काम आ रही है। देखो ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, टोकन लिंक, तीनों में लिखा है। जी अब ये कैट फाइव भी क्या है, अब कोई यूज नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही सस्ती केबल होती है, और जो मतलब जो है महीने 2 महीने में खत्म, बेकार हो जाती है। तो अच्छा अब जो चल रही है देखो कैट फाइव ई से लेकर यहां तक, अब जो अच्छी कंपनी है वो या तो कैट सिक्स यूज करेंगी या कैट सेवन यूज करेंगी। तो इसमें आप देखो ई का मतलब है इनहेंस, कैट फाइव इनहेंस केबल, तो इसमें स्पीड होगी 1 Gbps, यानी कि ये अच्छा होगी गीगाबिट कनेक्शन के लिए। गीगाबिट देखो कनेक्शन ईथरनेट कनेक्शन, फास्ट ईथरनेट, गीगा, तीन तरह के होते हैं। गीगाबिट ईथरनेट 10 की स्पीड वाला बोलते हैं, फास्ट ईथरनेट को 100 वाला बोलते हैं, और गीगाबिट को बोलते हैं 1 Gbps, यानी कि 1000 Mbps। समझ गया समझ आ गया? समझ गया अब इसमें देखो आपके पास 1 Gbps है, कैट सिक्स में आपको मिलेगा मैक्सिमम 10 Gbps, ठीक है। और इसमें देखो क्या होता है, ये जो केबल है ये 100 मीटर तक बोलती है, लेकिन 55 मीटर ही डिस्टेंस इसको कवर होता है। इसमें 10 Gbps अच्छा में क्या है, 55 मीटर ही जाएगी, अच्छा 85 तक भी नहीं जाएगी नहीं, ओके कैट सिक्स में 55 मीटर है, कैट सिक्स और सिक्स है दोनों 55 मीटर, 100 मीटर यहाँ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन सेगमेंट लेंथ के हिसाब से ये सिग्नल जो जाएगा वो 55 तक जाएगा। अच्छा मैक्सिमम सेगमेंट तो 100 मीटर की केबल मार्केट में मिलेंगी, लेकिन जब सिग्नल कैरियर की बात करेंगे तो 55 मीटर तक ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ओके ओके ये देखो ये दोनों की स्पीड है, देखो वही 10 Gbps, ठीक है ना। ये देखो 55 मीटर लिखा है, जी कैट जी सिक्स है। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, शील्डिंग का फर्क है इन दोनों में, मैं बता दूंगा आपको, केवल ओके शील्डिंग की वजह से। और कैट सेवन जो है ये पूरी तरह से शील्डेड है, अच्छा
इसमें देखो यहाँ पे जो सिग्नल है 100 मीटर तक ही लिखा हुआ है, तो ये हाँ एक्चुअल में 100 मीटर तक जाता है। सिर्फ यही केबल है जिसमें पूरा सिग्नल जाता है 100 मीटर तक। पूरा 100 मीटर तक जाता है। अच्छा हाँ सही पूरा 100 मीटर तक जाएगा, सही इसमें है। 85 नहीं, इसमें जाएगा 100 मीटर ही पूरा, क्योंकि ओके इसमें ओके पूरी 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 तरह से शील्डिंग है। तो ये इसकी जो कैटेगरी है एसटीपी मानी जाती अच्छा ओके शील्डेड है। तो ये देखो CAT 6, 7, 8 ये एसटीपी की में ही आती है वैसे तीनों, लेकिन ये फिर अच्छा भी ये यूटीपी में डाली हुई है, लेकिन ये तीनों जो है एसटीपी में जाती ओके है। ठीक समझ ओके तो ये समझ आ गया आपको। समझ गया समझ गया। ये देखो अब समझ में आ गया आपको, इनमें इसकी स्पीड कितनी है। ठीक इन दोनों की है 10 Gbps और इसकी मैंने कितनी बताई आपको, बोलो। कैट सेवन CAT 7 की कितनी बताई मैंने आपको, मीटर स्पीड क्या थी इसकी इनकी भी सेम ही है, शील्डिंग का फर्क है। 10 GB जी ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है ना, हमारे पास नॉर्मली जो चलती है वो 6 और 7, ये ज्यादा चलती है कंपनीज में। छोटी कंपनी इनको यूज करती है, छोटी कंपनी या तो CAT 5 यूज को यूज करेगी, CAT 6, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, शील्डिंग का थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये CAT 6 है। CAT 6 में देखो आप देख रहे हो बीच में जी सेपरेटर ये प्लास्टिक का सेपरेटर होता है। ठीक जी है। CAT 6E में जी जी दोनों में लगभग कुछ फर्क आपको नजर नहीं आ रहा हाँ उसमें भी सेपरेटर है इसमें भी सेपरेटर है। है। ये देखो ये CAT 6E है, ये CAT 6A है। देखो ई और 6 ये दोनों एक ही जैसी होती हैं, हाँ लगभग सेम लग रहा है जी लेकिन जो ए है ये ई जो है ये इनहेंस है, बस इससे थोड़ा सा फर्क है, मतलब ज्यादा नहीं, मोटाई का फर्क है। इसका जो ये होता है ना बाहर का, एक का पतला होता है एक मोटा होता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओके जो ए है ये शील्डिंग है, देखो यहाँ हाँ ये जो शील्डिंग है है जी फॉइल, ये फॉइल है, जी फॉइल कवर एल्युमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है जी और साइड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे वायर सा निकला हुआ है। जी जी हाँ ये बेसिकली अर्थिंग का काम करता ओके है, इसके साथ साथ चलता रहता है ये, इससे क्या है अर्थ करता रहता है, जिससे कि कभी भी इसमें करंट पास ना हो। वो ठीक है। ग्राउंडिंग हो जाएगी हाँ जी ग्राउंडिंग हो जाए। तो जी ये समझ इसमें अब CAT 7 दिखाता हूँ। CAT 7 देखो ये है आपकी, देख रहे हो जी सर। इंडिविजुअल फॉइलिंग। अच्छा इंडिविजुअल है क्या सर फॉइलिंग जो है ये कैसी है, इंडिविजुअल। दो ओके केबल ये है देखो, दो दो के ट्विस्टेड पेयर है आपके, तो ये दो दो जी के क्या फॉइलिंग बनेगी हुई अलग अलग, ये ओके फॉइलिंग इंडिविजुअल फॉइलिंग है। ठीक है। ओके ओके पहली चीज, साथ में ग्राउंडिंग वायर, अच्छा इसमें ग्राउंडिंग ज्यादा है वायर। ग्राउंडिंग इसमें तो एक ही था क्या 6 AM में हाँ ये इसे हम ब्रेडेड वायर कहते हैं, ब्रेडेड वायर। ये ब्रेडेड वायर सबसे पहले कोएक्सियल में स्टार्ट हुआ था, जी
वही उसी को कॉन्सेप्ट में लेके उन्होंने ये ब्रेडेड वायर या ग्राउंडिंग वायर बनाया, और ये पीवीसी की जैकेट हो गई ये वाली, जी ठीक जी है, ये हो गया आपका, ठीक है ना। ऐसा हाँ, ये देखो, ये सब आपकी कैट से बने हैं आपके, समझ आ गया आपको। इसके बाद हाँ सर ऑप्टिकल फाइबर आपको बताते हैं। जी। देखो, जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें देखो जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से बदल गया है, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो केबल होती है उसमें कॉपर वायर होता है, ठीक जी है। अब इसमें कॉपर वायर नहीं है केबल में, इसमें क्या है जो सिग्नल है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, राइट। यानी कि इसमें क्या होता है जो केबल है उसमें से लाइट क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। अब ट्रांसमिट आप ये होगी केबल देखिए, दिख रहा है आपको, एक तरफ से आपको लाइट दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ से लाइट दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें जो सिग्नल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट जाएगा। जी। अब ये लाइट ही क्यों, बता सकते हो लाइट ही क्यों चूज की हमने? क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है यस, क्योंकि जो लाइट की जो स्पीड है वो करंट की जी बहुत स्पीड से बहुत ज्यादा है, ज्यादा क्योंकि होती है हमें जल्दी ट्रेवल करना है, जी ठीक है ना। क्योंकि लाइट जो है वो बहुत जल्दी क्या होती है, पहुंच जाती है, ठीक जी है। साउंड से भी तेज है, अगर हम साउंड भेजेंगे तो साउंड भेजने में टाइम लगेगा, समझ रहे हो, लेकिन जी लाइट को भेजने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि लाइट की जो नहीं स्पीड है वो लगेगा ज्यादा है, ठीक जी है ना। जी अब इसमें देखो क्या होता है, इस तरह की जो केबल होती है ये सब मोटी मोटी बना रखी है इन्होंने ना, सबको आइडिया नहीं लग पाएगा। पहले आपको पैच कोड दिखा देते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए, ये देखा होगा आपने जनरल, जी ये ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड है, जी यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये, जी जी ठीक है। ये वाली देखो, ये देखिए जनरली आपने हर हाँ देखा जगह दिखती है, अब यही जी चलती है जगह पर, ये आगे कनेक्टर इस तरह से लगा देते हैं, ठीक जी है। तो अब देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की जो केबल होती है इसमें ये रेशे निकले होते हैं, ये देख रहे हो आप, यस रेशे। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ये रेशा निकला होता है, ये देखो, ये देख रहे हो। जी अब ये क्या होता है, जब केबल जो अंदर जो होती है केबल उसमें ये जो रेशा है इसमें से जो आप देख रहे हो ना लाइट दिख रही है, ये जी किसके अंदर से जा रहा है, ये ग्लास की कोर होती है, इसे कहते हैं ग्लास की कोर। जी तो किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में क्या होती है, सबसे पहले होती है ग्लास की कोर जिसमें से आपका डेटा जाए, ये देखो, देखो अच्छा सब इसको समझते हैं, देखो ऐसे जी सबसे अंदर की तरफ जिसमें से आपका लाइट निकल रही है, ये लाइट है, ये देखो इसके अंदर जी से लाइट ऐसे जाती है, ये देखो जी ऐसे जा रही है एंगल बना जी के, ठीक है। जी किसी में जी सीधी भी जाती है लाइट, तो अलग अलग टाइप की जी होती है, वो बताएंगे। तो देखो ये तो लाइट है जो इसके अंदर से पास हो रही है, अब ये क्या है जिसके अंदर से पास हो रही है, इसे कहते हैं ग्लास की कोर। तो ये जी कोर है पूरी, ये इतनी पतली जी होती है, देखो इतनी पतली होती है, यहाँ तो डायग्राम में मोटी दिखा रखी, जी इसे ग्लास कोर कहते हैं, ओके ग्लास कोर, ठीक है। जी अब जी ग्लास की कोर को प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा हमें, तो प्रोटेक्ट बिल्कुल करने के लिए क्या होती है इसमें, ये देखो इसे कहते हैं क्लेडिंग, जी इसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक परत चला देते हैं क्लेडिंग की, क्लेडिंग। क्लैडिंग की बिल्कुल उसके बाद क्या है कि एक और मटेरियल इसके अंदर भरा होता है,
ये लिखा है प्लास्टिक को, इसको बेसिकली कहते हैं कैल्विक फाइबर, ये वाला इसको कहते हैं कैल्विक फाइबर, ये स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है जी, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि ये और प्रोटेक्शन हो जाती है इसकी, अंदर कांच ना टूटे इसका, उसके लिए क्लेडिंग है, और क्लेडिंग के ऊपर इन्होंने स्ट्रेंथनिंग कर दी है कैल्विक फाइबर्स। कैल्विक फाइबर क्या करता है, एक तरह का ये क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में करंट पास हो जाएगा, नहीं होगा ना, नहीं होता, नहीं होता। उसी तरह से क्या हो रहा है कि भाई ये जो है इसमें अगर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट डाले तो वो क्या करे, मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, उसका काम कर रहा है। जी रिपेल करेगा। हाँ, तो ये उस तरह का मटेरियल है, ठीक है, इसे कैल्विक फाइबर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आउटर जैकेट है, ये पीवीसी की जैकेट होती है इसकी, जी ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इसकी जगह वो क्या करते हैं, कॉपर का, तो वो कॉपर कह रहा हूं, उसका वायर डाल देते हैं, स्टील का वायर जी इसके साइड में, जब आप उसको काटोगे ना तो स्टील का वायर भी साथ साथ चलता है उसकी, उसकी अच्छा स्ट्रेंथनिंग के लिए। जैसे इस किसी किसी में कैल्विक होता है, किसी में कैल्विक नहीं डालेंगे, तो उसके साथ क्या डाल देंगे, एक वायर डाल देंगे जी बहुत पतला सा। तो ये आपका देखो इतना पतला तार होता है, ठीक समझ गया है, मतलब जी। ये तो आपका बहुत बड़ा दिख रहा है। अब इसमें देखो ये ऐसे अंदर की तरफ, ये ग्लास की कोर निकली, इसके साइड में क्या करेंगे, वो एक प्लास्ट एक वो स्टील का वायर डाल देंगे और उसके ऊपर पीवीसी कवर चढ़ा देंगे, समझ रहे हो, तो उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो अगर कोई उसको पकड़ के झूले भी ना अगर वायर को, तो टूटेगा नहीं, ठीक अच्छा है, तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, जी समझ गया क्योंकि अंदर से नाजुक चीज चल रही है ना, कांच चल रहा है, कांच बिल्कुल के बिल्कुल उसमें से ही निकल रहा है ना ये। जी अब ये दो तरह की होती है, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, दो कैटेगरी की होती है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। ओके इसमें से देखो आप, ये ऊपर वाला मल्टी मोड है, नीचे वाला सिंगल मोड है। ओके सिंगल मोड में क्या होता है, ये अंदर ग्लास की कोर है, इसमें से सिग्नल आएगा और ऐसे निकल जी जाएगा सीधा सीधा, स्ट्रेट निकल स्ट्रेट जाए, सीधे स्ट्रेट, सीधे निकल जाएगा। ठीक है ये स्ट्रेट होता है। जी जबकि जो मल्टी मोड होता है, ये एंगल बना के चलता है, इसमें क्या एंगल चलेगा, अच्छा ठीक है, ये एंगल बना के चलता है। अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है, ये देखो मल्टी मोड में देखो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स दो तरह का होता है, ये अच्छा देखो पहले वाला होता है स्टेप इंडेक्स, मैंने बताया था एंगल बना के चल रहा है, तो इसमें देखो एंगल देखो इस तरह का एंगल बन रहा है, ठीक बिल्कुल है, फिर दूसरे वाला दूसरा एंगल बनाएगा, कोई दूसरा एंगल बिल्कुल लेगा, तीसरे सिग्नल आएगा वो तीसरा एंगल बनाएगा, बिल्कुल मतलब सब अपने अगर अपने कोई एंगल फोर्टी बनाएंगे, फाइव डिग्री पे चल रहा है तो दूसरा जो है 50 डिग्री पे चलेगा, दूसरा अपने अपने सिक्सटी फाइव एंगल, डिग्री पे, मतलब अलग 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 एंगल एंगल। बन जाए, समझ पर ये गया एक दूसरे से क्लैश नहीं होना चाहिए सिग्नल। ओके और फिर अलग अलग क्या है, ये लाइट निकल जाएगी, निकल जाएगा क्योंकि उसका एंगल अलग रहेगी तो अलग निकलेगी। राइट बिल्कुल ठीक है। अब देखो दूसरा जो तरीका है इसमें वो है ग्रेडेड। ग्रेडेड में क्या जी होता है कि यहां से जब सिग्नल चलेगा वो जी एक साथ चलेगा यहां से, और जब जाएगा तो ये क्या करेगा, बीच बीच में ये देखो इस तरह का डिजाइन बना के चलेगा, ये देखो अच्छा ये देखो, सिग्नल कभी मर्ज हो जाएगा कभी क्या है स्ट्रेट हो जाएगा, ये देखो, सही ठीक है। और सिंगल मोड में तो आपको पता है यहां से गया और यहां से निकला। बस स्ट्रेट स्ट्रेट सीधे सीधे अब ये डिपेंड करेगा, देखो मल्टी मोड में जो ग्लास की कोर है वो ज्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इसमें छोटी होनी चाहिए, देख रहे हो आप,
इसका साइज देखो जी और इसका साइज देखो, फर्क है दोनों में। ये देख, यहां पता लगेगा आपको, ये देखो अंदर का जो नीला पार्ट है ना, ये देख रहे हो आप, ये ग्लास की कोर है, ठीक है, और इसमें से बहुत सारे सिग्नल जा रहे हैं, तो मल्टी मोड है। सिंगल में देखो बहुत छोटा है, ये देखो कोर बहुत छोटा है, तो एक ही सिग्नल जा सकता, ठीक है ना। तो मतलब सिंगल मोड में जो जहां पर मीडियम हमारा जा रहा है उसका जो रेडियस है बड़ा छोटा होता हाँ ये छोटा है रेडियस है, इसका मतलब एक ही सिग्नल जा रहा है। सिंगल। मल्टी मोड में हमारा जो अगर अंदर जो मीडियम जहां से जा रहा है वो बड़ा अच्छा ब्रॉड होता हाँ ब्रॉड होता है, है। अच्छा ये दोनों ये में फर्क फर्क है। होता है। हाँ इसका दोनों में मतलब फर्क है सिंगल मोड का जो फाइबर रहेगा वो सस्ता रहेगा। है। सस्ता रहेगा मतलब देखो कॉस्ट तो दोनों की सेम ही पड़ती है, थोड़ा सा फर्क है बस कॉस्ट में। क्योंकि ये साइड में आप देखें ना उसका जो टॉप व्यू दिया है सिंगल मोड के फाइबर के बगल में और मल्टी मोड फाइबर के बगल में वो टॉप व्यू है। टॉप व्यू में देखो इसका रेडियस कितना ज्यादा है। हाँ देखो क्या होता है, ये होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कौन सा मल्टी ये मोड हाँ मल्टी मोड जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, और ये है होता है कुछ लॉन्ग ज्यादा। डिस्टेंस अच्छा के लिए। ताकि समझ गया समझ गया। ताकि सिंगल मोड में आपका सिग्नल ड्रॉप ना हो वीक ना हो। ज्यादा लंबा दूर जाएगा और मल्टी मोड में खरीब खरीब जाएगा। इसमें देखो ये ऐसा है ना, सिग्नल जा रहा है इस तरह से तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या है, इसकी स्ट्रेंथ ये कम कर देंगे, इसकी रेडियस, तो ये स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, और फिर क्या है कि देखो इसकी थोड़ी स्पीड कम भी हो सकती है इस केस में, यहाँ पे स्पीड ज्यादा हुई जब ये इस तरह से जाएगा, देखो रेडियस का फर्क होता है इसमें, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो रेडियस अलग अलग है आपका, सिंगल मोड में देखो 9 है, इसमें 50 है, इसमें 62.5 है, ठीक है। वो हाँ व्यू माइक्रोन है क्या है सर। व्यू हाँ माइक्रोन माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये मल्टी मोड और सिंगल मोड जो होता है इसमें डायमीटर का ही फर्क होता है, ठीक है। देखो बैंडविड्थ जो है इसकी आप देख सकते हो, गाइस ये देखो 28,000 MHz मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर के साथ, इसकी पूरी टेबल है, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें जो डिस्टेंस है, ये देखो आपका इसमें देखो सिंगल मोड में 10 Gbps वाली, देखो इसमें 10 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। ये देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी है, उसी हिसाब से डिस्टेंस जो है मिल रहा है आपको, तो ज्यादा जो चलती है वो 10 Gbps वाली चलती है, ये वाली, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर कम से कम है, 10 किलोमीटर से ज्यादा भी डिस्टेंस वाली होती है केवल। तो इसमें देखो आप देख सकते हो, इसमें देखो फास्ट इथरनेट में 100 Bs FX, देखो क्या है कि यहाँ पे FX लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये फाइबर में, ये जो आपके है ये फाइबर के अंदर आएंगे, यहाँ पे FX लिख दिया, वहां फाइबर है, ठीक है ना। अच्छा ये देखो स्पीड में 10, 25, 40, 100, अब ये जो 100 Gbps वाली है, ये वाली, इसमें आपकी स्पीड ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्पीड है आपकी 100 G, यानी कि गीगाबिट इथरनेट, जैसे कि आपने कहा अगर जैसे जियो फाइबर वगैरह चलता है ना यहाँ पे, तो 100 Gbps वाली केबल होती है, उसमें उसका जो जो स्ट्रेंथ है वो भी हार्ड होगी, और जो क्या कहते हैं उसका जो
क्या कहते हैं उसको, उसके लिए एक डिवाइस लगाना पड़ता है इनको, जिससे कि वो हर डिस्टेंस पे क्या हो, सिग्नल को क्या करे, अपग्रेड कर दे, सिग्नल को स्ट्रेंथ दे। तो एक डिवाइस लगता है इसके लिए, ठीक है। तो वो जगह जगह लगाना पड़ेगा। अब ये क्या है कि आप इसको पानी में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जितनी जो केबल होती है, रिपीटर हैं, या बूस्टर होता है, हाँ सिग्नल बूस्टर। हाँ वो बीच बीच में आपको लगाना पड़ेगा, वो हर 10 या 20 किलोमीटर बाद लगाना पड़ता है। ये देखो, ये पानी के अंदर भी आप इसे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, आप देख रहे हो, ये पूरी केबल जा रही है। ये देखो, कई किलोमीटर तक सिग्नल जो है इसमें ड्रॉप नहीं होता, लेकिन बीच बीच में आपको एक डिवाइस लगानी पड़ती है इसमें, जिससे कि सिग्नल क्या है 10 किलोमीटर बाद क्या अपग्रेड हो जाए, ठीक है। शार्क देखो, इसे शार्क काट सकती है, शार्क मछली देखो काट रही है। कैमरा भी लगे हुए ना यहाँ पे पानी के अंदर, ये देखो ये देखो, बहुत स्ट्रांग होता ये बांध के रखते हैं इसको, देखो केबल को, ये देखो, देख रहे हो ना ऐसे, ये देखो ये रिपेयर कर रहे हैं इसको। तो ये देखो, इस तरह से ये जो है अलग अलग कंट्री में, ये ये जो देखो, रिपेयर करें, शायद वो दोनों का केबल ज्वाइंट है, वो होगा ना हाँ अंदर हाँ वो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना ज्वाइंट जब लगता है इसको, ज्वाइंट, इसी इसी ये हाँ पूरे तो वहां सारे से, जितने भी हैं डाटा सेंटर वाले यूज करते चले। हाँ बिल्कुल। तो आप देख सकते हो, ये पूरा मैप है इसका, वर्ल्ड मैप, कहाँ कहाँ पे फाइबर डली हुई है, इसका पूरा वर्ल्ड मैप है ये देखो। तो इसमें आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप के अंदर, ये देखो, जूम करोगे ना आप इसे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ से केबल जा रही है आपकी, ये देखो। सबसे ज्यादा जो केबल, जो कनेक्टिविटी है ना, वो इधर इधर है, देखो इधर देख रहे हो आप, यूरोप की सबसे अच्छी तरफ, जो स्पीड मिलती है इधर के एरिया मिलती है, ठीक है। हाँ, यूरोप यूरोप की तरफ, या फिर देखो इधर के एरिया में मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया। हाँ देखो, जो ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और ये चाइना को जोड़ रही है ना, जो ये एरिया, यहाँ पे बहुत सारा फाइबर लगा हुआ, ये देखो। या फिर आप देखो इधर, इधर से इधर जो जोड़ रही है ना, यूएस वगैरह, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इधर से जुड़ रही है, ठीक है। तो यह सबसे ज्यादा केबल यहाँ डाली गई है, ठीक है। और देखो ये अफ्रीका है, अफ्रीका में पूरे इसको कवर किया हुआ है, देखो देख रहे हो। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ये देखो कवर है, सब कवर है, देखो यहाँ, देखो यहाँ पे देखो कितना जो है लगा हुआ है, देखो पूरा पूरा देखो अंडर कवर है पूरा, ये हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर ये लोग कवर हाँ। किए। इंडिया में देखो अब इतनी कनेक्टिविटी नहीं है अभी भी, हालांकि है अभी भी, अब तो मतलब थोड़ा हो गई है, पहले काफी कम थी। तो इसमें देखो, इस एरिया में देखो, इंडिया के इस वाले साउथ एरिया में देखो, साउथ एरिया बहुत है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा मिलती है, या फिर देखो बैंगलोर साइड आप जाओगे तो स्पीड ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इधर की तरफ स्पीड ज्यादा है देखो, बाकी यहाँ पे कोई केबल नहीं डाली गई है, ये देखो। या फिर आप देखो इन सऊदी अरेबिया को जोड़ो, जोड़ोगे ना आप इससे इंडिया से, तो ये डायरेक्ट, ये देखो ऐसे जोड़ेगा, ये तो बॉम्बे, बॉम्बे के साइड से ज्यादा कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये इस तरह से केबल डाली गई है जिससे कि कनेक्टिविटी रहे, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ केबल्स काट दी जाएं तो क्या होगा, जो सिग्नल है यहाँ से, ये यहाँ नहीं जा पाएगा, तो जो स्पीड है इन दोनों के बीच की, जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो अगर ये केबल कट जाती है तो रिपेयर नहीं होती, तो महीनों तक जो स्पीड जो है वो कम आती रहेगी। मान के चलते हैं किसी चीज का सर्वर यहाँ रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ की जो कनेक्टिविटी जा रही है इनसे जा रही है, और यहाँ पे क्या है एक ही केबल बची है जिससे कि ट्रांसमिशन जा सके, तो आप देखोगे उस सर्वर पे लोड पड़ जाएगा और यहाँ पे जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी, उसकी साइड बहुत देर में खुलेगी, ठीक है। तो ये होता है स्पीड का, ये होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अधिकतर जो डेटा सेंटर है वो ऐसी जगह पे लगा के रखते हैं जहां पे फाइबर कनेक्टिविटी ज्यादा हो, ठीक है ना।
तो इस तरह से पूरा जो है फाइबर से जो है पूरा देखो कनेक्टिविटी है, आप देख रहे हो एक लाइन यहाँ पे भी जा रही है, देखो ये देखो, अब ये धीरे धीरे देखो ग्रीन लाइन के साइड देख रहे हो ना, धीरे धीरे जैसे इनकी वो बढ़ते जाएंगे ना केबल्स, तो ये पूरे पूरे में लगा देंगे। खैर ये तो खैर ऐसा एरिया जहाँ पे नहीं लगा सकते, लेकिन अधिकतर जो है सारी कंट्री कवर कर रखी है उन्होंने, ठीक है ना। टोटल ये देखो आपका जो है, ये देखो इतने माइल्स जो है हर साल लगता है, ये आपका केवल बढ़ता रहता है। 378 अंडरसी फाइबर केबल प्लेस इन स्ट्रेच ओवर द इतने माइल्स, ये देखो इतना फाइबर लगा हुआ है आपका और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो इसी से है। अगर कनेक्टिविटी आपकी जाती है इसका मतलब फाइबर की ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। चलिए आज इतना कर लेते हैं, ठीक है, ओके सर, कल फिर करेंगे हम इससे आगे करेंगे, ठीक है। ओके सर, कोई बात नहीं, ठीक है समझ आ रहा है, वैसे कोई दिक्कत तो हाँ नहीं। समझ गया सर, हाँ समझ, कोई दिक्कत नहीं। कल क्या ठीक है टाइमिंग है सर, सुबह 11 बजे? हाँ वही करेंगे 11 बजे। ओके सर, ओके, ये वीडियो आप मुझे भेज दीजिए। ओके हाँ मैं इसको देखता हूँ कैसे शेयर करेंगे। जीमेल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, इसमें ना रिकॉर्डिंग कितनी